हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल कुमार पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जियो फाउंडेशन। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी वैल्यूएबल थिंग्स। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द डाउट्स, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द new topic, and we can say this is the last topic of this chapter, pair of linear equation two variables. So the name is word problems based on linear equation. That means ye jo hai bachche is chapter ka last topic hai. अगर ये टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस में आप लोग ने पहले प्रीवियस सेशन में ऐसे कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए होंगे, उनके लिए जो है बच्चे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ते हैं। इफ यू डू नॉट फॉलो दिस रूल्स देन यू आर नॉट एबल टू रीच ऑन द आंसर। आप जो है जो रूल्स हैं आपको वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो वो जो रूल्स हैं बच्चे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और वो हिसाब किताब स्टोरी है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। ओके, और एक चीज और कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका टॉपिक है, ये जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका बहुत ही प्रिफरेबल टॉपिक माना जाता है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक्स में, चाहे वो आर एस अग्रवाल बुक्स में, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं जिस जो आप को क्वेश्चन है वो आपके वहां से उठाए जाते हैं। सो देयर सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। तो बच्चों हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने अभी जस्ट बोला बच्चे कि कुछ घिसा पिटा स्टोरी, घिसा पिटा रूल्स है जिनको हमें यहाँ पे थोड़ा रिकॉलिंग कर लेते हैं। तो रिकॉलिंग करेंगे बच्चे यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो पहला जो स्टेप्स है बच्चे, पहला जो स्टेप्स होगा, read the question carefully and take two variables x and y as per condition। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे बच्चे, दो वेरिएबल्स लेंगे x और y, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स x एंड y, तो आमतौर पर हम x एंड y लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना बच्चे कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। हम लोग अपने अंदर जो है वो इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो है एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, और अंडरस्टैंडिंग बनेगा तभी आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। और ये जो आपका टॉपिक है बच्चे, इस टॉपिक में लगभग ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है लगभग नहीं हम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो रह ही जाते हैं। जैसे में आपका जो चार्जेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे में टैक्सी चार्जेस है ना, उसके बाद वो एसआई के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो है फिर आपका टाइम एंड बर्थ का जो क्वेश्चन होते हैं, फिर हम लोग और देखें कि आपको ट्रेन और डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस में कुछ वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है वो स्टूडेंट लोग थोड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जो डिफिकल्टी है मैं उसको ओवरकम करने का प्रयास करूंगा। सो द फर्स्ट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो व्हाट, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेक टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एज पर कंडीशन। सेकेंड जो यहाँ पे स्टेप्स होगा बच्चे, फॉर्म टू इक्वेशंस फ्रॉम गिवन कंडीशन।
ठीक है, मीन्स इसमें क्या करना है, जो हम लोग के पास कंडीशन दिए हुए रहेंगे उसके हिसाब से हमें दो इक्वेशंस बनाने हैं। दो वेरिएबल बचे तो दो इक्वेशंस बनेगा आपके, दो वेरिएबल है तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे। अब हम लोग क्या करें, सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट x एंड y, एंड लास्ट क्या है, वेरीफाई योर रिजल्ट, वेरीफाई योर, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आपके तीन जो है वो स्टेप्स है, पहला तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे तब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि हाँ हम किसके हिसाब से x मानेंगे और किनको x मानेंगे और किनको हम लोग y मानेंगे। उसके बाद जो बच्चे जब आप अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपके पास दो कंडीशंस होगा और दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बना लेने हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के हम थ्री जो मेथड्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप जो है दो तीनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना आसान होता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा उससे जो है वो आप बनाओगे। आमतौर पे मैं जो यहाँ पे जो सॉल्व करूंगा वो एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे वेरीफाई योर रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट को जो है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब बच्चे हम लोग आते हैं कि इसमें जो आपकी वेरिएशंस बहुत है, मीन्स क्वेश्चन का जो टाइपोलॉजी है इस टॉपिक में कई सारे हैं, तो मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर सीबीएसई बोर्ड के थ्रू या आपकी बुक्स में जो है वो दिए जाते हैं और दिए गए हैं। तो ये चलिए जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस टॉपिक, ओके। सो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हियर। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस asked by the examiner in your exam. So these are the typology or different types of questions which has been asked by the examiner. So first one is that numbers and digits based problems. मेरे प्यारे बच्चों, question जो है वो कभी कभी आपका पूछा जाता है numbers और digits पे based, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है number दिए हुए हैं, उनके दो डिजिट के नंबर्स होंगे, थ्री डिजिट के नंबर्स होंगे, वैसे आमतौर पे आपको दो ही डिजिट के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहां पे जो है वो आपको डिजिट्स को सपोज करना पड़ेगा और नंबर को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। कभी कभी जो नंबर्स आपको डायरेक्टली दे देते हैं और वहां पे डिफरेंस बोल देगा, सम बोल देगा या मल्टीप्लीकेशन बोल देगा, इस तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो यहां से उठाए जाते हैं। तो नंबर से क्वेश्चंस और डिजिट से डिजिट के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फ्रैक्शंस के ऊपर जो है क्वेश्चंस होंगे, फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे कि भाई न्यूमरेटर्स हैं डिनोमिनेटर्स हैं, तो उसमें आपका कुछ बढ़ा दिया, उसमें कुछ आपका सबट्रैक्ट कर दिया, उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालिए, न्यू फ्रैक्शन निकालिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके हो सकते हैं नंबर एंड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड फ्रैक्शंस वाले से। अब बच्चे यहाँ पे है एजेस से, तो एजेस में क्या है बच्चे, एजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैं आपका मदर एंड उनके सन और डॉक्टर के बीच में रिलेशंस को बता करके है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फादर एंड डॉक्टर या फादर एंड कुछ जो है वो इस टाइप का जो क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं, कभी ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ठीक है, रिलेशन आपके इस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें बच्चे हम जब हम लोग आएंगे तो कुछ इसके रूल्स भी हैं जो कि हम लोग पढ़ना पड़ेगा, वैसे आप लोग जानते होंगे प्रीवियस स्टैंड में पढ़े हैं ऑलरेडी आपको, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। जैसे मैं कि यहाँ पे दो तरह के केसेस क्रिएट होते हैं, एक तो आपका होता है बिफोर का केस और एक होता है आफ्टर का केस। बिफोर का केस एक होगा, बिफोर को ही हम लोग एवो कह देते हैं, एवो का केस हो सकता है या कह देगा अर्लियर, ठीक है, तो बिफोर कह दे, एबो कह दे, एरियर कह दे, आफ्टर कह दे, ठीक है, हेंस कह दे, हेंस हेंस मैंने यहां पर लिखा हेंस, तो आफ्टर है, बिफोर है, हेंस है, लेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बच्चे कि पहले है ना, पहले, और इसका मतलब हुआ बाद में, ठीक है। तो इसके लिए अगर सपोज मान लो कि ए यस एगो बोला है, सपोज यहाँ पे ए यस एगो बोला और यहाँ पे जो है फिर ए यस आफ्टर बोला है, तो इस केस में क्या होता है,
तो ये सब बेसिक आपका रूल्स है, बेसिक आपका माइंड मैप्स है, जो कि आप लोगों के माइंड्स में जो है वो ये सब आउटलाइन होना चाहिए ऑलरेडी। तो सपोज मान लो कि हमें मैंने इसको x माना है, तो x क्या हो जाएगा, x माइनस a ईयर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा, ठीक है। अगर y है तो y फिर होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। If we are taking about taking this edges of something is by, if we are taking this edges of something is x, so that that's why this can write here x minus a, and this will be y plus a. Okay, so this is the this questions based on the edges. तो हम लोग questions को discuss करेंगे, ठीक है। अभी तो ये जो है वो आपका basic rules बताया जा रहा है, commercial mathematics based problems. कमर्शियल मैथमेटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स में जो आपका जो बेसिकली क्वेश्चन आएगा वो जो होते हैं वो चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एसआई के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, सीपी के ऊपर आ सकता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। और फिर जो है वो चार्जेस हो गए, एसआई हो गया, सैलरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सैलरी के ऊपर, ठीक है, सैलरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप यहां से आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन से बच्चे कमर्शियल मैथमेटिक्स में है, और कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो एज पर द कंडीशन हम लोग वहां पे करेंगे। इसका कुछ आपका बेसिक पैटर्न नहीं है, बेसिक फॉर्म नहीं है कि हाँ मतलब इसी टाइप का होगा, ऐसा कुछ है नहीं। जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब लोग आते हैं नेक्स्ट वाला, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम में जो क्वेश्चन से बच्चे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग टॉपिक, हम लोग सब टॉपिक कर सकते हैं, सब हेडिंग कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रेन से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड, ठीक है। तो ट्रेन हो गया, बोट हो गया, जैसे फास्टर ट्रेन हो जाता है, स्लोअर ट्रेन हो जाता है, एक्सप्रेस ट्रेन हो गया, पैसेंजर ट्रेन हो गया, बोट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में आपका जो आएगा वो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आएगा, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का क्वेश्चन जो है बच्चे इसी में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है बच्चे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो बच्चा आपका टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल में जो क्वेश्चन होगा वो आपका मेन से रिलेटेड रहेंगे, मेन एंड वोमेन हो गया, मेन एंड बॉयज हो गया, वोमेन एंड बॉयज हो गया, ठीक है, फैक्ट्री का वर्कर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो वहां से यहां से उठाया जाता है टाइम इंटरवल वाले में। तो हम लोग वहां पे देखेंगे इसका कुछ पैटर्न, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म रहेगा जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग वहां पे जैसे मैं आप लोग क्लास स्टैंडर्ड 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि इफ अ मैन कंप्लीट्स अलोन इन 8 डेज ऑन वर्क इन 8 डेज देन द इन 1 डेज हाउ मच पार्ट और हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय हिम, तो वहां पे हो जाता है इन 1 बाय 8 डेज। तो इस तरह से जो है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से क्वेश्चन, तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों उनको ध्यान समझिए। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सबसे पहले तो इसका जो है बेसिक जो रूल्स है, बेसिक थ्योरम्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। मेंसुरेशन इसमें भी कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल से क्वेश्चन दे सकता है या रेक्टेंगल से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का आपको एरिया पता होना चाहिए, पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका पता होना चाहिए। तो ये है, उसके बाद ज्योमेट्री में आपके एंगल्स निकालने के लिए दे सकता है ना, तीन एंगल दिए हुए हैं तो आपका फोर्थ एंगल निकालने के लिए बोल देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इस टाइप का क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का रिलेशन कुछ दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझिए, एंड ऑल आर दिस All these questions are very useful, which helps you to improve your marks or to get better or full marks in your exam. So I think मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और हमारी हमेशा कोशिश है
आप लोग के लिए कि आपकी जो तैयारी है इस वक्त में मैं थोड़ा आप लोग का हेल्प करूं, तो मैं आपके प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए मैं आपको ये जो मटेरियल्स है, जो अपना एफर्ट है, हम हमेशा जो है वो लगे हुए हैं, तत्पर है हम आप लोग के लिए, और इस तरह से जो है वो प्यार आप लोग बना करके रखो बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब सीधा हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये सब तो खैर बात की चीजें हैं, ये सबसे थोड़ा बहुत जो है वो माइंड मैपिंग बनता है, अंडरस्टैंडिंग बनता है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड एंड दिस क्वेश्चन इज इन एनसीईआरटी बुक। तो ये जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से और आसानी तरीके से इजी ढंग से जो है वो बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी जो है एक आइडिया को यहाँ पे गेन करने के लिए एक आपको जो मेन थीम है इसका, जो मेन आपको पर्पस है बताने का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद जो है हमें एक सेट बारी को जो है वो फॉर्म करना है, उसके बाद इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखिए ये यहां तक जो है आपका पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ये जो है वो आपका पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड में देखना आपने लगाया है एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। ये देखिए आपका सेकेंड है, ये जो है आपका सेकेंड, तो दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन आपके फॉर्म हो जाएंगे, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर या वन नंबर, फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, ठीक है इस तरह से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हम यहां पर ले रहे हैं कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, मीन्स आई हैव सपोज दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। डिफरेंस का मतलब होता है कि एक्स माइनस वाई भी होगा और वाई माइनस सिक्स भी होगा, एक्स माइनस वाई भी होगा और वाई माइनस सिक्स भी होगा, लेकिन मैंने यहां पे लिया है एक्स माइनस वाई। तो यहां पे बच्चे ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड क्या करेंगे, अब हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट है वन नंबर इज 3 times द अदर। तो वन नंबर इज 3 times द अदर, तो ये बड़ा है तो इसको मैंने लिख दिया एक्स इक्वल्स टू 3 by, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा इक्वेशन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसी वजह से मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन भी अवेलेबल है अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले जो हम इनको क्या करते हैं, अच्छा ये इक्वेशन तो बना लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 3 by था, तो एक्स माइनस 3 y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 0। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्वेशन है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड से, तो एक्स माइनस 3 y, अब जो है वो सेकेंड को फर्स्ट से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स माइनस 3 y इक्वल टू 0 है, और यहां पे x माइनस y इक्वल टू क्या है 26 है। ये देखो मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट किया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये से क्या हो गया कैंसल, ठीक है। चीज समझ में आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी इलिमिनेशन मेथड में बता चुका हूं। तो माइनस 2 y इक्वल टू कितना है माइनस 26, तो यहां से जो है y इक्वल टू 13 आ जाएगा, ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो y इक्वल टू 13, नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y इक्वल टू 13 है बच्चे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर हम लोग चले तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 y, सो 3 into 13, सो दिस विल बी 30। तो हमारे पास जो बच्चे आपका दो नंबर निकल गया, x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13। तो देखो मैंने माना था कि x ग्रेटर देन y है, तो देखो आपका x ग्रेटर देन y आ रहा है।
अगर आप यहां पे लेते बाई माइनस सिक्स तो इसकी वैल्यू आपका 39 आती और इसकी वैल्यू 13 आती, रिपीटिंग। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर मैं देख लेता हूं कि ये सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक नंबर और डिजिट्स। नंबर एंड डिजिट से, नंबर एंड डिजिट्स वाले सेक्शन से जो है मैंने एक नंबर से करवा दिया और एक जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका डिजिट से है। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। सो डियर स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। तो दो डिजिट के नंबर है उनके डिजिट्स का जो सम है वो दिया हुआ है आपको आपका कितना 9। तो ये देखिए एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अब सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो ये है बच्चे आपका सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट किस तरह से बन रहे हैं और प्रैक्टिस ज्यादा कर कीजिएगा तो आपका बिल्कुल जो है आपको आइडिया मिलने रहेगा कि हाँ हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है या फर्स्ट स्टेटमेंट किस टाइप का है। चलिए ठीक है बच्चे, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका किस टाइप का करते हैं हम इसका रूल। सो लेट हम लोग यहाँ पे टू डिजिट का नंबर है तो हम लोग सबसे पहले डिजिट्स को मानेंगे क्योंकि डिजिट तो हमें पता है ना कि कौन कौन सा डिजिट है, तो हम लोग को इस पे क्या करना पड़ेगा, डिजिट ही सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं कि लेट द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर भी लिख सकते हैं ऑफ ए नंबर बी एक्स और टेंस डिजिट क्या हो जाएगा यहां पे मान लेते हैं बाई। तो बच्चे नंबर क्या बन जाएगा, तो नंबर बन जाएगा टेंस प्लेस पे कौन है बाई है, तो टेन इंटू बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस का मतलब क्या हुआ कि बाई को हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस पे कौन है हम वन से डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट कर सकते हैं, टेंस प्लस डिजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेन बाई प्लस एक्स हो गया, 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे अगर हम इनके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर से आप लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो अगर जो है इनके डिजिट्स को रिवर्स किया कर दिया जाए तब नंबर क्या होगा। तो बच्चे अभी ये जो है वो यूनिट प्लेस पे है तो रिवर्स करें तो यहाँ पर टेंस प्लेस पे आएगा मींस 10x हो जाएगा और ये अभी टेंस प्लेस पे है तो ये कहां पे चला जाएगा बाई किस प्लेस पे चला जाएगा यूनिट प्लेस पे, तो आपका ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। चलिए तो ये हम लोग का बेसिक इसका स्ट्रक्चर रहा। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन जो हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पे जो है बच्चे टू डिजिट नंबर कौन कौन है, एक्स और बाई है, तो हम लोग का यहाँ पे एक्स प्लस बाई, आप यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस बाई प्लस यहाँ पे कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो कौन सा नंबर ये वाला, क्योंकि हम लोग का जो ओरिजिनल नंबर है वो ये वाला है, तो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर क्या है 9 इंटू 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस एक्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो ट्वाइस किसका हो जाएगा 10x प्लस बाई का। ठीक है, अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 90 बाई हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 9x 20x प्लस 2 बाई। अब हम लोग क्या करेंगे इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इनको उधर लेके भी जा रहा हूं, तो 11x माइनस कितने हो जाएंगे ये 88 बाई, तो ये आपका 88 बाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 11 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। 11 कॉमन था तो 11 जो है मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, या तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके आप जो है इनमें पुट भी कर सकते, तो वही कर देते हैं, सिंपल वही रहेगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन टू क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 8y, ठीक है। नाउ अब जो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा यहां पे 8y प्लस y इज इक्वल्स टू 9, तो 9y इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 8y है, तो हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, या सिंपली जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड इसमें, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 1, तो हम लोग का नंबर कितना आ जाएगा, देखो यहां पे नंबर कितना आ जाएगा, तो 10 इंटू y की वैल्यू 1 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 दैट विल बी 18, तो ये आपका आंसर है। अब देखे थे इसका आंसर जो है वो दे रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर बच्चा, ये रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग का नंबर मिल चुका है 18। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक फ्रॉम द फ्रैक्शन, अब हम लोग आते हैं बच्चे फ्रैक्शंस के ऊपर। सो डियर फ्रेंड, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रैक्शन टॉपिक, सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. तो ये देखो आपका पहला स्टेटमेंट, यहां तक जो है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो यहां से आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा, तो देखो यहां पे क्या हुआ, if 3 is added to both numerator and denominator that becomes 5/6, तो जो है आपका 5/6 बन जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन का तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है नहीं, तो हम लोग उसको जो है वो सपोज करेंगे, मानेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली, या तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऐसे करके मान सकते हो, रिस्पेक्टिवली मैंने लिख दिया एक ही बार में रिस्पेक्टिवली। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हम लोग का, तो फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो हम लोग का बनेगा एक्स अपॉन बाई, ओके, एक्स अपॉन बाई, न्यूमरेटर हमारा क्या है एक्स है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है बाई है, तो एक्स अपॉन बाई हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन कब 9/11 हो जाता है, जब 2 को जो है ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो x प्लस 2 और y प्लस 2, तो ये क्या हो जाता है 9/11। अब क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू y प्लस 2, ओके, सो नाउ सी एवरीवन, वेरी गुड, सो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, ओके, आर यू गेटिंग, सो नाउ वी हैव गॉट 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस 4, ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 18 में से आपका 22 जाएगा तो माइनस 4 आ जाएगा, ओके। चलो अब आते हैं एंड जो नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन के लिए ए 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर,
तो 3 हम लोग ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 3, तो कितना हो जाता है 5 बाई 6। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 प्लस 2 5 बाई प्लस 15। तो यहां से आपका 6x माइनस 5 बाई प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस 3। सो नाउ वी हैव द टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स एंड यू कैन गो एंड यू कैन सॉल्व इधर ऑफ एनी द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों में से किसी भी मेथड से जो आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। तो आप सॉल्व करके जो इसका आंसर हमें बताओगे और इसका जो फ्रैक्शन जो आएगा इसका, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि x और y की वैल्यू यहाँ पे कितने आएंगे, तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा, मीन्स फाइंड द नंबर जो है या फाइंड द फ्रैक्शन जो है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बट प्रॉब्लम्स और सिलेबस क्वेश्चंस ऑन द आर्टिकल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक, यू हैव टू सॉल्व एट योर होम, एंड इफ एनी क्वेश्चंस facing difficulties, then you can ask questions in the comment section. तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही तक रह देते हैं। That's all for today. Thanks for watching.